श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सबको पता है सावन का यह बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव का यह महीना चल रहा है। मेरे भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामना महादेव पूर्ण करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। अगर आप उपाय करते करते थक गए हैं, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने सब तरीके के उपाय आजमा लिए हैं, सारे उपाय करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको ये छोटा सा उपाय त्रि ओम जल वाला 3 बार करना है। बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, आप जो मांगोगे सब कुछ मिलेगा आपको। पूज्य गुरुदेव जी की कथा सुनकर समझकर आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी, परंतु उससे पहले जो भी नए दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलेंगे। आते हैं पहले उपाय पर। पहला जो उपाय है उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, वो उपाय करते करते थक गए हैं, तो वो व्यक्ति ये उपाय अवश्य करें। इसके लिए लेना है आपको 3 बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल, आपको लाल या पीला चंदन ले लेना है और 1 दीपक ले लेनी है गोल बाती की, जिसमें गाय की घी भरी होनी चाहिए। और यह सब वस्तु लेकर आपको पहुंचना है मेरे देवादि महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर के चौखट की दाई तरफ आप जो दीपक लेके गए हैं, वो दीपक आपको लगा देनी है और फिर आपको प्रवेश करना है मंदिर में। तो सबसे पहले आप जो 3 बेलपत्र लेके गए हैं, उस पर आपको 1-1 बिंदी लगा देनी है और पहली बारी बेलपत्र जो है वो आपको जलाधारी के ऊपर अर्पित करनी है। बेलपत्र आप इस तरह से अर्पित करें कि बेलपत्र का आगा वाला जो भाग है वो शिव जी की तरफ हो और डंडी जो है वो जलाधारी के बाहर हो। दूसरी वाली बेलपत्र जो है वो आपको कटी भाग यानी पार्वती जी के स्थान पर चढ़ानी है, जिससे कि आप बड़ी पत्ती का मुँह आपकी तरफ रहे और डंडी का मुँह आपके विपरीत दिशा में। और फिर तीसरी जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है, उसमें भी आपको बड़ी पत्ती वाली का मुख अपनी तरफ रखना है और डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में। तीनों जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको तीनों जगह ओम का स्मरण करते हुए 3-3 बार जल चढ़ाना है। और फिर जल चढ़ाने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर महादेव जी से कहना है कि महादेव जी, मैंने आपके सारे उपायों को किया है, आपका ये त्रिओम मनोकामना पूर्ति उपाय किया है, मेरा ये नाम है और ये गोत्र है, मेरी ये मनोकामना है, आप उसे पूर्ण करें। और इसमें गोत्र का विशेष महत्व है, तो जिन व्यक्ति को अपना गोत्र ना पता हो अवश्य गोत्र पता करके जाएँ और ये उपाय आप करके देखें। यह उपाय जब तक सावन है आप कर ले, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का दिन होता है, तो उस दिन भगवान शिव अवश्य आपकी सुनेंगे। ये उपाय अवश्य करें। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।